हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के पीरियड में हम देखेंगे 4.2 उनके मन के टिम्पे टू। कुछ ये जो नाम है लेसन का है ना, ये जो टाइटल है कुछ अजीब सा लग रहा है ना आपको, लेकिन ये क्या है, एक मंत्र है। ये जो टाइटल है ये एक मंत्र है। अब इस मंत्र का उपयोग कैसे किया गया है स्टोरी में हम देखेंगे। पेज नंबर 81 इज गोइंग ऑन, लेट्स स्टार्ट द लेसन। बहुत अच्छी स्टोरी है। It will be a fantastic birthday this year, I said in a mocking tone. अब ये जो लेखक है वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा बर्थडे है, मेरा जो बर्थडे आने वाला है, ये इस साल का जो बर्थडे है वो बहुत ही फैंटेस्टिक होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। All I will get is a pair of shoes and a hand knitted pullover. मुझे क्या क्या मिलने वाला है? शूज़ मिलने वाले हैं और हैंड नीटेड यानी हाथ से बुना हुआ जो पुल ओवर यानी ओढ़ने वाला ये रहता है ना, क्या बोलेंगे, शरीर पर ओढ़ने के लिए चद्दर टाइप रहता है ना जैसे, तो वो मुझे मिलने वाला है। आई हैड आस्क फॉर अ टेबल टेनिस सेट। मैंने किसके लिए बोला था, मुझे क्या चाहिए था? टेबल टेनिस सेट चाहिए था। बट माई मदर सेड इट इज़ टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि ये इसका सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस साल तुम्हें मैं टेबल टेनिस सेट नहीं दे सकती हूँ, और मुझे चाहिए था टेबल टेनिस सेट, लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया। माई फ्रेंड मुक लुक्ड एट मी थॉटफुली। मेरा जो दोस्त है, मुक नाम है उसका, वो मेरी तरफ देखने लगा। ही ड्रीव अ बीट क्लोजर एंड सेड। वो थोड़ा सा मेरे पास आके बोलने लगा, वेल रोहन आई डोंट से आई बिलीव इन इट बट माई कजिन सेड इट वर्क्स। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, लेकिन मेरी कजिन जो है उसने मुझे ये बताया कि ये काम करता है। क्या काम करता है? कोई फॉर्मूला होगा, कोई उपाय होगा उसके पास, वो काम करता है। एंड देयर इज नो हार्म ट्राइंग, डोंट यू थिंक? इसमें ट्राई करने के लिए तो कोई नुकसान नहीं होगा, ट्राई करेंगे तो कम से कम हम ट्राई करके तो देख सकते हैं। एक्चुअली वो क्या बता रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसके पास कोई उपाय है। वो बता रहा है कि अगर ये उपाय हम करेंगे तो उसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है, हमें इसे ट्राई करना चाहिए। ट्राइंग वॉट आई आस्क। मैं उसे पूछने लगा कि तुम क्या ट्राई करने की बात कर रहे हो? Well, my cousin said, if you really want something badly, all you have to do is to run around a banyan tree at midnight and chant 17 times उनके मन के टिम्पे टू। क्या उपाय था कि मेरी कजिन ने मुझे बताया कि आपको क्या करना है? अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत ही दिल से चाहते हो, अगर आप कोई चीज़, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको बनियान ट्री के आसपास मिडनाइट में यानी 12 बजे, रात के 12 बजे आपको बनियान ट्री के आसपास घूमना है। कितनी बार घूम के उनके मन के टिम्पे टू ये जो मंत्र है ये बोलना है। कितनी बार बोलना है? 17 टाइम्स आपको ये बोलना है। आई डिस्परेटली वॉन्टेड माई विश टू कम ट्रू। मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि मुझे टेबल टेनिस सेट मिल जाना चाहिए, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी। स्टिल आई आस्क व्हाई 17 टाइम्स एंड व्हाई एट मिडनाइट। फिर भी मैंने पूछा कि 17 टाइम्स ही क्यों बोलना है और रात को ही क्यों बोलना है, मिडनाइट में ही क्यों बोलना है? डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मुक। मुझे मत पूछो। हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। अब मुक जो था ये जो लेखक है, लेखक का बेस्ट फ्रेंड था। That is how it is done, I supposed. Why not try it? अब वो जो फ्रेंड था उसने बोल दिया कि मुझे नहीं पता ये सब कि क्यों इतनी बार ही क्यों करना है वगैरह, लेकिन करना है। So, मैं भी सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करूँ। आई वुड नॉट डू एनी हार्म, सॉरी इट वुड नॉट डू एनी हार्म, और इससे कोई किसी का नुकसान भी नहीं होने वाला, तो क्यों ना मैं ये ट्राई करूँ। I thought it was all nonsense, पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये बहुत ही बकवास चीज़ है, इसमें कोई दम नहीं है। Besides, I could not think of any banyan tree in our neighborhood. और दूसरी बात ये थी कि मेरे आसपास
आजू बाजू में कोई भी बनियान ट्री नहीं था। देयर वॉज वन इन ओल्ड मिसेज ग्रूवर्स गार्डन, लेकिन एक था तो वो कहाँ पे था? मिसेज ग्रूवर्स गार्डन, मिसेज ग्रूवर जो थी लेडी उनके गार्डन में था। बट हु डेयर्स टू एंटर हर गार्डन, पर उनके गार्डन में जाने की हिम्मत किस में है? नॉट मी, मुझ में तो नहीं है। एंड नॉट एट मिड नाइट, रात को मिसेस ग्रोवर के गार्डन में जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मिसेस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर। क्यों हिम्मत नहीं थी? क्योंकि मिसेस ग्रोवर कौन थे? उनके स्कूल के प्रिंसिपल रह चुकी, यानी पुराने प्रिंसिपल, अभी के नहीं। वन लुक फ्रॉम हर पर्सिंग पेल ग्रीन आइज वॉज इनफ टू साइलेंस बुलीज लाइक रिंकू लाल ऑफ क्लास टेंथ। वो इतनी खतरनाक थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी कि एक नज़र अगर वो डाले ना तो कोई भी बहुत ही ज़्यादा बदमाश बच्चे क्यों ना हो। टेंथ क्लास का जो रिंकू लाल था वो बहुत ही बदमाश लड़का था और वो दो लोगों को परेशान करता था, तो ऐसे लड़के को एक नज़र में वो चुप कराती थी, तो इतनी वो स्ट्रिक्ट थी। आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आइज, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। फर्गेट इट आई सेड, भूल जाओ उसे। हाउएवर द थॉट केप्ट हॉन्टिंग मी टिल द डे बिफोर माई बर्थडे, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में मेरे बर्थडे के एक दिन पहले तक घूमती रही। एंड आई जस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, और मैं उसके अलावा कोई और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। वही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। ओके आई सेड टू मुक, फिर मुक को मैंने बोला कि ठीक है, इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ मी आई विल गो टू मिसेज ग्रोवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट। तो बर्थडे के एक दिन पहले रात को वो बोलने लगा कि मुक, अगर तुम मेरे साथ आते हो मिसेज ग्रोवर के गार्डन में रात को, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वाई शुड आई कम अलॉन्ग, मैं क्यों आऊँ? आस्क मुक, मुझे मेरी क्या जरूरत है? आई हैव नो सीक्रेट विश, मेरी तो कोई इच्छा भी नहीं है, तो मैं क्यों आऊँ तुम्हारे साथ? कम ऑन लेट अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट। अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, चलो ना मेरे साथ मेरे टेबल टेनिस के लिए तुम भी विश करो। सो एट 10 minutes to 12 मुक एंड आई मेट एट द बैक ऑफ ओल्ड मिसेज ग्रोवर्स गार्डन। अब 12 को 10 मिनट कम थे, तब मुक और मैं वहाँ पे चले गए मिसेज ग्रोवर के गार्डन के बैक साइड में। वी क्लाइम्ड एंड सेट ऑन द बाउंड्री वॉल, हम लोगों ने क्या किया, बाउंड्री वॉल जो थी, कंपाउंड वॉल होती है ना, उसके ऊपर हम चढ़ गए। वी लुक डाउन इन टू द गार्डन, गार्डन में इधर उधर देखा। विच ले डार्क एंड साइलेंट इन द डिम लाइट ऑफ द मून, वहाँ पे पूरा डार्कनेस था, अंधेरा था। एंड देयर वॉज अ बनियान ट्री, वहाँ पे एक बनियान ट्री भी था। इट्स एरियल रूट्स स्वेइंग इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट, और रात के समय हवा से उसके जो रूट्स जो लटकते हैं ना बनियान ट्री के रूट्स बड़े बड़े, वो ऐसे झूम रहे थे जैसे हवा से। वी जम्प्ड डाउन एंड रीच द ट्री, हम लोगों ने वहाँ से जम्प किया कंपाउंड वॉल से और पेड़ के पास पहुँच गए। लुक्ड अराउंड केयरफुली, इधर उधर देखा। इमेजिन इफ शी इज अवेक, आई विस्पर्ड एंड पॉइंटेड एट मिसेस ग्रोवर्स हाउस, मैं मुक को बोलने लगा कि थोड़ा इमेजिन करो अगर वो जाग रही होंगी तो। कौन जाग रहा होगा? मिसेस ग्रोवर। अगर वो जाग रही होंगी और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो सोचो क्या होगा। नोबडी इज अवेक एट दिस घोस्टली आवर ऑफ द नाइट, हिस मुक, मुक बोलने लगा कि ये जो रात अभी मिडनाइट है, इतनी रात को कौन जगता है, सब सो चुके होंगे। नाउ गेट गोइंग रन, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, दौड़ो। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड चैंटिंग मून के मन के टिम्पेटू, और मैं पेड़ के इर्द गिर्द घूमने लगा और बोलने लगा उनके मन के टिम्पेटू, ये मंत्र था, ये मंत्र मैं बोलने लगा। आई विश माई विश इज कमिंग ट्रू, और मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। ओवर एंड ओवर अगेन आई फेल्ट अ बिट स्केयर्ड, मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, स्केयर्ड है ना डरना, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। दैट वॉज वाई आई ट्राई टू गेट इट ओवर क्विकली, और उस डर के मारे मुझे ऐसे लग रहा था कि ये फटाफट हो जाए, जल्दी जल्दी करने की मैं कोशिश करने लगा।
एंड इंक्रीज्ड माई स्पीड, और मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी. आई इंक्रीज द चैंटिंग टू, और मैं जो चैंटिंग कर रहा था, चैंटिंग यानी वो जो मंत्र बोलते हैं ना उसे चैंटिंग बोलते हैं, चैंटिंग भी मैंने बढ़ा दिया. एंड ऑल द वाइल आई वेंट ऑन लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द नाइट, अ क्रैकल हियर, अ स्विश देयर. और मुझे इधर उधर से आवाजें आने लगी, रात की आवाजें होती है ना, कीड़ों की आवाज आती है, इधर उधर की आवाज, हवा की आवाज आती है, तो ऐसी आवाजें मुझे आने लगी. तो यहाँ पे जो है हम पार्ट वन खत्म करते हैं, और अगला पेज जो है 83 पेज नंबर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाती हूँ. टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.